ये कलेक्शन होता है, आपने वहां अवार्ड देखे, वो अवार्ड कुछ नहीं, ये असली है, देखिए ये इनको चड्ढा साहब ने दिल्ली में मारे थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं सुरेश लहरी और आज मेरे घर पे, नए घर पे कृष्णा आ रहा है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है क्योंकि उसने मुझे बहुत प्यार दिया है। आइए मिलते हैं कृष्णा को। अरे देखिए, ये होता है कि मुझे आज इतने सालों के बाद, मतलब लॉकडाउन 2 साल में वैसे नहीं मिले, उससे पहले भी दो साल ये अलग बिजी थे सोने में और मैं अलग बिजी था, तो देखिए आज इतने टाइम बाद इन्होंने मुझे घर पे बुलाया और देखिए मुझे बाहर ही ये मिल गए। ये होता है, देखो इनकी वाइफ ने कहा कि मैं अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगी और ये इन्होंने होटल से बनाया तो एंट्री में ही पकड़े गए। पेड़ है अच्छा, पहले ले लेने का, क्योंकि अभी किस्तें भी होती हैं घर की। ये मेरा आदमी आया, वाह वाह, बहुत बेहतरीन। इधर आओ, कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग। ये मतलब एंटर करते ही सबसे पहले आपका एक स्टूडियो। हाँ नहीं, जेन्युइन, अभी मजाक से हटके पहले खाना तो खोलो आप। तो नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे यहाँ से बाहर का व्यू भी देखना है, मैं देख सकूं। अच्छा, यहाँ आप अपना म्यूजिक का काम करेंगे, इसके हम दोनों हकदार हैं। कॉमेडी सर्कस की ट्रॉफी है ये, इतने साल पुरानी। ये सारी ट्रॉफी आप देख रहे हैं, कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार, कॉमेडी सर्कस के अजूबे, कमाल है ये। और ये इनको ये क्या मिला है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये हम दोनों को मिला था, हम दोनों को मिला था। मतलब इनको कुछ अकेले कुछ नहीं मिला। नहीं, मेरी शर्त थी, मुझे कहता है मेरे साथ जाना है, आज मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं कहा मुझे भी दिलवाएगा, इनको भी एक हो गया था, मुझे याद है। वाह 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 वाह, क्या बात है, पूरा बॉम्बे दिखता है यहाँ से। बहुत बॉम्बे दिखता नहीं, मैं बॉम्बे में ही रहता हूँ। यार ये मेरी बारी, बॉम्बे दिखता है बाकी में, खूबसूरत सर, बहुत बढ़िया। आ जाओ, ये अभी एंट्री पे म्यूजिक रूम ही इतना इन्होंने बढ़िया बनाया है तो और एक्साइटमेंट है कि अंदर क्या होगा। अभी अंदर भी चलेंगे और मैं एक्चुअली कृष्णा को बड़ी मिन्नत करके बुलाया क्योंकि मैं इसके घर पे गया था, मुझे घर बहुत अच्छा लगा, उस दिन से मुझे ना नींद नहीं आ रही, मैं भी बुलाऊं, मैं भी दिखाऊं। इनके दिल में क्या था कि इनको नींद नहीं आ रही थी तो इन्होंने सोचा कि अब मैं इसको दिखाऊंगा कि इसने जो बनाया है उससे बेहतर मैंने बनाया है। तो वो इसीलिए ये चाहते थे कि 2 दिन ये नहीं सोए, ये चाहते कि मैं 8 दिन ना सोए। अरे नहीं कृष्णा, तो अब ये एंट्री पे देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी 4 दिन की नींद तो गई। नहीं नहीं, ये तुम सोच रहे हो, मैं तो भगवान से डरता हूँ। मैंने तो, मुझे पता है कि वो भगवान जब चाहेगा तेरे को पैसे देगा, तेरा भी ऐसा बनेगा बढ़िया, है ना। नहीं, इसका बहुत बढ़िया है, इसका तो घर इस तरीके का, क्योंकि यहाँ पे होती है थोड़ी पार्टियां, यो यो एंजॉय, वहां पे ये पैग भी चलते हैं। मेरा बेचारा गरीब आदमी, मैंने इधर देखो देखो, मैंने यहाँ पे अभी तो ये, हाँ सच में अभी ये भी दिखा दूं, मैं अमीर हूँ, ये भी लिया मैंने अभी, ये सेब का इन्होंने ये लिया। तो यार सेब का नहीं, अमीर बंदा हूँ मैं, एप्पल का बोलते हैं। जब तुम यहाँ पे आया करोगे, यहाँ पे कॉफी की मशीन पड़ी होगी तो मजा आ जाएगा। नहीं सर, एक छोटा सा बियर बार टाइप होना चाहिए। यार ये बंदा अपने मतलब का काम करवाता है। वाओ, क्या बात है। वेलकम, कैसा लगा भाई हमारा घर? इतना खूबसूरत, बहुत बढ़िया। और कृष्णा, और तुम्हें खुशी सर? ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी 7-स्टार होटल में आ गया, सच्ची में। अच्छा, बहुत अच्छा, जेन्युइन। थैंक यू। मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ये कृष्णा ने अगर मेरे घर की तारीफ कर दी तो समझो बस इससे ऊपर क्या। बहुत खूबसूरत है एंट्री ये आपने, और इतना बड़ा है, ये भी नहीं कि होता है ना कि भले आपका कितना 4 बेडरूम वाला है, 4 BHK, लेकिन इसका क्या बोलते हैं हॉल, और ये बहुत बढ़िया लग रहा है। तुम्हें खुशी हुई। और ये देखो ऊपर ये है प्रोजेक्टर, यहाँ पे मैंने थिएटर बनाया है, यहाँ पे स्क्रीन लगी है, यहाँ पे फिल्में लगाऊंगा। तो कृष्णा, ये वाला जो देखो, ये डाइनिंग टेबल। अरे अच्छा, तो बता के कोई कमी तो नहीं इस घर पे तुम्हें लगी? सर एंट्री से आपका म्यूजिक रूम, हॉल वॉल, ये सब इतना बढ़िया है, सिर्फ एक ही चीज की कमी है। क्या? पैसे की। कि अगर पैसे अगर होते ना तो यहाँ पर आप कुर्सियां लगवा लेते, बैठ के खाना खाते। ये अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सही कुर्सी लाए। नहीं, और यार ये खिलौने हैं, क्या कर रहे हैं? अब आते हैं किचन में। क्या हाय साक्षी, मैं एंट्री पे देखो, इन्होंने मुझे जब फोन किया था कि आप तुम घर पे आओ, इतने टाइम बाद घर आ रहे हो, अपने हाथों से खाना बना के खिलाएंगे, तो ये मुझे एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि खाना तो बाहर आ गया, मैंने देखा होटल से।
तो बाहर आके मेरे साथ में गलती कर रही है। ये इन्होंने रात के पनीर गरम कर दिए, बचे थे तो उन्होंने कहा कि कृष्णा आ रहा है तो फटाफट ये गरम कर दो ताकि ऐसा लगे कि सब घर में बनाए और अभी ये सब कटोरियों में रख देंगे। पनीर खाते हैं, पनीर खाते हैं। ये अभी अभी देखिए, ये थर्माकोल नहीं है, पनीर। ये देख रहे हैं आप, पनीर है, पनीर है। Like it, थर्माकोल। तो बच्चों को आदत पड़ गई है, लेकिन पनीर सिर्फ इसको है, हमने दिखाना था। इसलिए बेशक हम तो मतलब उधार लाए हैं, लेकिन तुम्हें दिखाना था। ये नहीं कि हम फ्री बैठे हैं तो भूखे मर रहे हैं, यानी कि अपना स्टैंडर्ड वही है। बात है। तो अभी आते हैं इधर। वाह वाह वाह, ये है शिखा का रूम। क्या बात है सर। अरे शिखा तो पहचान ही नहीं जाती। लॉकडाउन में वजन बढ़ गया था। कमाल है ये म्यूजिक का भी। वो मैंने देखा काफी उसको सुर के भी काफी ज्ञान है। वो तो तुम जानते ही हो, लेकिन अब मेरी बेटी है तो तारीफ करोगी। क्या बात। अरे वाह, ये मुझे सर आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगा। ये तो नॉर्मली जो हमारे घर होते हैं उसमें क्या होता है, वायरें जो होती है अंदर होती है, इसमें क्या होता है पूरा ऐसे पैक्ड होता है ताकि किसी को करंट ना लगे कभी। ये आपने खुला ही रखा है। अरे ये करना है, ये हो जाना था। उस दिन मैंने आपको फोन नहीं किया था। हाँ हाँ। तो तुम्हें फोन उठाया नहीं, तो उस दिन मैंने पैसे मांगने थे ना ये ठीक कराने के लिए। अच्छा, तो अच्छा वो मैंने उठाया नहीं। क्या बढ़िया लग रहा स्टाइल। नहीं ऐसे ही रखो, इसको चेंज की कोई जरूरत। इसमें क्या बढ़िया है कि आदमी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो ऐसे हाथ लगा ले, कहानी खत्म हो जाए। मैंने भी तो दो तीन रूम देख ली, तीसरा ही है। हाँ। ये सबसे बेस्ट रूम है मुझे लगता है आप ही का होगा। नहीं नहीं मेरा नहीं, वो मनीष साक्षी का। अच्छा अच्छा, तो आपको कहाँ हॉल में सोते हैं? बच्चे हो जाने छीन लेते हैं ना। बहुत अच्छा। अरे वाह, यहाँ भी खुला है। ये देखिए यहाँ भी खुला है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पंखा आ जाए। कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैं सर 2500-3000 के आते हैं पंखे बढ़िया वाले। हाँ। तो मैं आपको भी 2500-3000 दूंगा, ये भी कर लो, हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। कृष्णा मैंने तुमको इज्जत बनाने के लिए घर पे बुलाया, मेरे घर की तरीफ कर यार। क्या इसको कवर कर देते ना आप कम से कम। तुम इस बात को कवर करो ना पहले जो। और कृष्णा ये वाला जो है ना सामने जब आते हैं। हाँ। तो ये अलमारी बनी थी यहाँ पे, मतलब ऐसे ये जूतों के लिए बना दिया। ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, अच्छा लगा। अरे मुझे कुछ याद आया। क्या इन्होंने इतने शो किए जब ये अकेले शो पे जाते थे, जब हमने साथ में की तभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब हम अकेले जाते थे तो याद है मारा था किसी ने पब्लिक से। अरे बाबा, ये सारे जूते इन्होंने देखिए, ये कलेक्शन होता है। आपने वहाँ अवार्ड देखे, वो अवार्ड कुछ नहीं, ये असली है। देखिए ये इनको चड्ढा साहब ने दिल्ली में मारे थे, मुझे याद है। आप स्टैंड अप कर रहे थे, मुझे याद है। वाह वाह, ये सब कलेक्शन इन्होंने रखा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही सर यही कमाई होती है। ये कितना चलाक आदमी कहता, जब हम इकट्ठे होते थे तब की तो कोई बात नहीं है, जब अकेले होते थे तब पड़ देते। वाह, लेकिन आपने संभाल के रखे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ये जूते जब ये मंदिर में माथा टेकने जाता था तो वहां से उठा लेता था, मेरे घर पे रख देता था, कहता लरी साहब ये मेरे बुरे वक्त में काम आएंगे। फिर इसको बोलता हूँ अब ले जाओ, कहता नहीं अब का बुरा चल रहा है आप रखो। ये देखो रूम, इसमें थोड़ा सा कृष्णा काम होने वाला है। जैसे यहाँ पे ना अभी वॉलपेपर लगना है, वॉलपेपर नहीं मिल रहा था अच्छा। हाँ। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर भी कोई टेंशन नहीं सर, मेरे हिसाब से सर्वेंट रूम के हिसाब से बढ़िया है ये। कमीने, ये मेरा रूम है, सर्वेंट रूम नहीं है आपका। आपको तेल नहीं कुछ नहीं मिलेगा, मैं मिर्च चाहिए मुझे। तो दोस्तों जैसे कि इसने कहा था कि अभी आपके घर पे ये टेबल है, कुर्सियां नहीं है, ये वो, तो ये आप सोच रहे होंगे कि भिंडी खिला रहे हो कृष्णा। ये अपनी खुद लेके आया है घर से, पूछ लो, हमारा पनीर है। लेकिन डाइटिंग पे हम लोग, लेकिन मजाक की बात, चलिए मजाक करते रहते हैं, लेकिन आज बहुत टाइम के बाद मैं इनके घर का खाना खा रहा हूँ। कॉमेडी सर्कस में बड़ा खाते थे, वो भी इन्होंने एक दो बार लाए, तीसरी बार मैंने शायद नहीं खाया होगा, उसके बाद बंद कर दिया था लाना। आज हम इतने टाइम बाद बैठे। ये लीजिए आपकी फेवरेट हरी मिर्च। थैंक यू। तो आज सुदेश जी के घर के टूर का मजा आ गया। जैसे हम लोग बचपन में एसएल वर्ल्ड जाते थे देखने, एलिफेंटा केव्स जाते थे, ऐसे आज हम लोग
सुदेश जी के केव्स में गए, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया। थैंक यू कृष्णा, बहुत मजा आया। अब हम कृष्णा को थोड़ा घुमाने जा रहे हैं, इसको मुंबई दिखाते हैं। मुंबई क्या होती है, यहाँ पे होते हैं गोविंदा, उनके भांजा से मिलाते हैं, उनका जो भांजा है उन्हीं की नकल कर करके बहुत, और उनके भांजे के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी रहती है, जैसे अमित जी के घर के बाहर होती है, लेने वालों की हमें पैसे दो, हमारे पैसे दो, वही आगे कहता है अबे साले गोविंदा की नकल करते, ऐसी भीड़ लगी रहती थी। तो बहुत ही मजा आया, कृष्णा आते रहना और ऐसे ही तुमको हम पराठे खिलाते रहेंगे। ये भी है आदमी, देख रहे हैं। अरे यार इसको भी मिल लो बेचारे को, ये है हमारा 10% और ये सही है, अपना खुद ही कर लेता सारा। तो मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद, थैंक यू।